वे हजारों करोड़ के घोटाले कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर में निवेश नहीं कर सके, विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर हब बनने की महत्वाकांक्षा 5 दशक पहले पैदा हुई थी, लेकिन पिछली सरकारों ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की उपेक्षा करते हुए आधुनिक तकनीक में निवेश करने के बजाय हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करने का विकल्प चुना। प्रधानमंत्री बुधवार को धोलेरा में इंडियाज टिकेट चिप्स फॉर विकसित भारत में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। यहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए बुधवार को कहा कि जब भारत वादा करता है तो वह उसे पूरा भी करता है। मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें 2 गुजरात और 1 असम में है। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से लोगों को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम उज्जवल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप देश को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की ओर ले जाएंगे। देश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनाने के वादे पर मोदी ने कहा कि जब भारत वादा करता है तो भारत उसे पूरा करता है और लोकतंत्र भी उसे पूरा करता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए, लेकिन वे सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए हजारों करोड़ का निवेश नहीं कर सके। इन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला फैब संयंत्र और सानंद में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर्स असेंबली एंड टेस्ट केंद्र OSAT शामिल है। प्रधानमंत्री ने असम के मोरी गांव में 27,000 करोड़ रुपए की लागत वाले आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT परियोजना का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया। असम में जगी रोड में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज असम और पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।